सो गाइज अभी उदयपुर पहुंचने के जस्ट 30 मिनट्स पहले 30 मिनट्स अराउंड 16 किलोमीटर्स पहले हमारी बाइक का अगेन ब्रेकडाउन हो गया. आपने देखा मैंने आपको कैसे दिखाया कि वो कितनी ज़्यादा एग्रेसिवली मिसिंग मार रही थी, कभी पावर आ रही थी कभी कम्प्लीटली जा रही थी. हम उसको 30 किलोमीटर कैसे तैसे चला के लेके गए, लेकिन उसके बाद उसने अपनी जान दे दी. वो कहती मैं आगे नहीं चलूंगी. अब बिल्कुल भी वो आगे नहीं बढ़ रही थी. एंड फिर हम नो मैन्स लैंड में खड़े थे, वहाँ पर कोई भी नहीं था, आधे घंटे तक कोई भी नहीं था. एंड लकीली चंबा के जज जो यहाँ पर अभी सेशन कोर्ट लगाने के लिए घूम रहे थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, लकीली उनकी कार गई हमारे साइड से. वो हमारे को पहचान गए थे, 3-4 दिन से हम अल्टरनेट सारे घूम रहे जा रहे थे उनसे. फिर उन्होंने ऑफर किया कि आप हमारे साथ चल लो, उदयपुर 30 मिनट्स दूर है, तो हम लोग कोई मैकेनिक लेके वापस आ जाएं. तो हम जैसे उनकी कार में, मतलब उनका भी पंचर हो गया था, जैसे उनका पंचर लग रहा था उतने में दो पुलिसमैन उस साइड से आ गए जो टिंडी को जा रहे थे. तो टिंडी में एक मैकेनिक बैठते हैं, तो उन दो पुलिसमैन ने हमें यहाँ पे टिंडी की जो मैकेनिक है उनके पास छोड़ दिया है. अब उन मैकेनिक को वैसे ट्रक वगैरह का काम आता है, पंचर वगैरह वो ज़्यादा लगाते हैं, तो उनको इंजेक्टर का काम नहीं आता. हम सोच रहे हैं वो करना भी नहीं चाहते, ही इज़ नॉट वेरी फॉन्ड कि वो हमारी हेल्प करें. पुलिस वालों का उन्होंने हाँ कर दिया, बट पुलिस वाले जब गए तो उन्होंने कहा देख लो अपना. तो अब लकीली यहाँ पर ये दो बाइकर्स आए हैं, ये हमें सुबह भी मिले थे. भाई इधर आओ ना. भाई नाम बताओ अपना. आयुष. अभी उतारिए ना हेलमेट. आयुष जायसवाल. आयुष जायसवाल ये नागपुर से हैं, ये नागपाड़ा के राइडर्स हैं. यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से. यवतमाल डिस्ट्रिक्ट. आप नागपुर. नागपुर. भाई नाम आकिब. आकिब. आकिब और जायसवाल भाई, आयुष भाई हमारे को अभी यहाँ पर मिले टिंडी में वापस. एंड इनके आती हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई. एक पॉजिटिविटी लेकर आए ना, हम थोड़े से अकेले थे, थोड़े सा लोनली फील कर रहे थे, तो हमारा नेगेटिव सोच रहे थे. ये लोग आके हमसे इन्होंने बातचीत करी, बोला हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि हम अकेले थे तो हम थोड़ा घबरा रहे थे कि अब क्या करेंगे, हम नो मैन्स लैंड में खड़े हैं. एंड हम सुबह सुबह ही मिले हैं, सोचो अब हमारे एक ही दिन में दूसरी बार मिले तो हमारी फ्रेंडशिप हो गई. तो उन्होंने कहा हमारे साथ चल रहे हैं, अब ये भी सोलांग जा रहे थे, हम भी वैसे सोलांग जा रहे थे. अब देखते हैं, ये तो हमारे को बाइक लोड करवा के निकल जाएंगे आगे. हम आज शायद किलोंग ही रुकना पड़े, क्योंकि अब सारा प्लान खराब हो चुका है. क्योंकि हमें एक पिकअप ट्रक मिल गया है और वो अग्री कर गए हैं कि वो हमें किलोंग तक हमारी गाड़ी छोड़ देंगे बस. तो ये लोग हमारी हेल्प करवा देंगे गाड़ी ऊपर उनके, मतलब पिकअप ट्रक पे चढ़ाने के लिए. अभी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी खड़ी है. किलोंग पहुँच जाए तो किलोंग में बहुत मैकेनिक्स हैं, मतलब वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. भाई आप भी यूट्यूब बनाते हो? कोशिश करते. नाम बताओ अपने चैनल का. के स्टार. के स्टार. दोस्तों आप देखो ये बंदे होते हैं, जैसे दिल का अच्छा आदमी होता है ना, तो जो हेल्प करे उसके चैनल को फॉलो करो. आपके श्रेय आर्टिस्ट की हेल्प करी है के स्टार ने, प्लीज़ उनका चैनल सब्सक्राइब करो. मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. भाई अभी करते हो? भाई ने आते ही बोला कि यार तुम ना एक बार ना एयर फिल्टर निकाल के देखो हिमालय में, शायद उसका पंगा हो सकता है. बट वो इंजेक्टर की गंदगी वाला मुझे लग रहा है, और इंजेक्टर सिर्फ किलोंग में होगा, यहाँ पर नहीं किसी को आइडिया होगा, क्योंकि जनरली यहाँ पे कार्बोरेटर्स वाली बाइक होती हैं. लेट्स सी यार, दिन बहुत लंबा हो गया, अब खींचेगा दिन, आ जाओ और खींचेगा. सोचो हम सिर्फ 30 मिनट दूर थे और अब हमारा वो पूरा दिन लगेगा. पर बस हमारी बाइक सही हो जानी चाहिए, ढंग से हम पहुंच जाएं किसी एक जगह. लेट्स होप. लेट्स गो. आई एम रणधीर प्रताप सिंह. एंड आई एम कोमल सिंह सीरा. वी आर थिएटर आर्टिस्ट विद स्पिरिट्स ऑफ एन एडवेंचरर. एज अ स्ट्रे वी ट्रैवल एंड एज एन आर्टिस्ट वी लिव. We are the Stray Artists. रॉयल एनफील्ड लोगे तो ये हाल हो जाएगा, लिफ्ट लेनी पड़ेगी. ये देखो दोस्तों वो बाइकर आ रहे हैं हमारे साथ. बुरी हालत है दोस्तों, बुरी हालत. अब जैसे जैसे हमने एक भैया को मनाया है, वो हमारी बाइक को लोड करके किलोंग पहुंचा देंगे. एंड वंस वी रीच किलोंग तब शायद हमारी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो, और मतलब फिर वहाँ पर क्योंकि मैकेनिक्स वगैरह बैठते हैं किलोंग में, तो वहाँ पर होपफुली हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी. तो पहले बाइक पे चलते हैं. मेन प्रॉब्लम है कि हमारे पास स्पेस कम है, एंड हिमालयन को पूरे को लोड करना है, तो इतनी जगह है यहाँ पर. टमाटर के बॉक्सेस पड़े हैं, टमाटरों को शायद साइड में लगाना पड़े और फिर बाइक को लोड करना पड़े. फंस गए हैं दोस्तों, बुरे फंस गए हैं. रणधीर को जो सबसे ज़्यादा डर लगता था ना, रणधीर ने वो सब कर लिया. किसी और के साथ बैठ के आ भी गया पहाड़ी इलाके में, अब जा भी रहा है टेम्पू में. क्या क्या करवाएगी रॉयल एनफील्ड हिमालयन, क्या क्या करवाएगी. Thank you.
डोसा दिख रही है जो कि लाहौल स्पीति की सेकंड हाईएस्ट पीक है, अब नहीं दिख रही। मतलब जो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाई थी ना बीरोल गोप्रो में, अभी जस्ट तो तीन चार बीरोल पहले, वो मेन थोसा है। ओ भाई क्यों हंसी जा रही है? जब हम उदयपुर को आ रहे थे ना दोस्तों, तब ना मैं रणधीर को बोलती यार हमने बैक शॉट नहीं लिया जो अपन टॉप बॉक्स पे लगा के ना पीछे का नजारा दिखाते हैं। भगवान जी के तो लाओ तुम्हें बैक के शॉट दिखाने, तुम्हारे साथ में उसके बैक के शॉट भी दिखाओ और अपने हिमालयन के बैक के शॉट भी दिखाओ। मेंथोसा गाइस, मेंथोसा समोसा गाइस, समोसा। तू समोसा, मैं आलू। ये चटनी थी पर खत्म हो गया। समोसा आलू भी खत्म कर दिया। थक गया भाई, बहुत थक गया। एक तो मेरा वेट ज्यादा है, भैया को पता नहीं है कि मेरे ना हिप्स के वेट है ना 2-3 क्रेट तोड़ चुका हूं। वो जो जंप करा तो डूब से अंदर घुस जाता हूं। गाइस अब बिलोंग यहां से सिर्फ 40 किलोमीटर पड़ा है, तो हम अपने गॉड से प्रे करते हैं कि वो हमारा और हमारी बाइक का ध्यान रखे ताकि हम सेफली एंड साउंडली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए और आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करें कि आपको ऐसा लगे कि आप इन क्रेट्स के बीच में बैठे हो। रवि चौहान और बबलू कुमार दोस्तों, अगर ये ना होते ना तो अभी भी हम पांगी वैली के बीहड़ में फंसे होते। इन लोगों ने हमारी हेल्प करने को रेडी हुए और इन्होंने मतलब हमारी बाइक लिटरली उठवा के बाइक अपने टेम्पो पे चढ़वाई और आराम से हमारे को अब किलोंग छोड़ दिया। चलो अब तो होता रहता है, अब हम बिल्कुल सेफ हैं। हेल्प करने पे थैंक्स टू भैया। आप नहीं होते ना भैया, बहुत पंगा हो जाता भैया। शुक्रिया यार, शुक्रिया। चलो भैया हम लोग यहाँ बैठ के आए थे, यहाँ हमारी बाइक खड़ी हुई थी, यहाँ पे हम दोनों बैठे हुए थे और हम टमाटर उसे घिरे हुए थे। इनफील्ड पॉइंट पहुंच चुके हैं दोस्तों हम, और बाइक खुल चुकी है। दिक्कत वही है, यहाँ के जो मेन मैकेनिक हैं, हेड मैकेनिक हैं, उन्होंने यही बताया कि इंजेक्टर का ही पंगा है, तो अब वो वही खोल के क्लीन करेंगे। पेट्रोल वगैरह वाला कोई पंगा लग नहीं रहा, तो देखो चल जाएगी फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार घर पहुँचा दे फिर सोचते हैं क्या करना है, उसकी हालत देखो। हाँ भाई, हाउ वाज द जर्नी टुडे? एडवेंचर हो गया तगड़ा? मैं जो सोचती थी ना कि लोग इस पे बैठ के कहाँ जाते हैं, ऐसे लिफ्ट में कहाँ जाते हैं, क्या होता होगा, कैसा उनको फील होता होगा गाड़ी के पीछे बैठ के किसी और के भरोसे चल के, है ना। आज सब मैंने फेस कर लिया, सब मैंने उसका मजा ले लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, अब थक गई मैं। गाइज ये है इंजेक्टर के सील की हालत, बहुत बुरी, मतलब बचा ही नहीं है कुछ इसका। गाइज अभी हम खिलौंग के इनफील्ड पॉइंट पर बैठे हुए हैं, अभी बाइक का काम चल रहा है। इंजेक्टर काफ़ी गंदा था, उसके अंदर मतलब बहुत सारा टायर निकला, उन्होंने उसको पेट्रोल से साफ करा है, उसका सील नहीं था, काफ़ी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया आज। थैंक गॉड वो भैया टेम्पो वाले मिल गए तो हम सेफली अब खिलौंग आ गए। अब बाइक रिपेयर करा के आज रेस्ट करेंगे, ऊपर ही होम स्टे है, रिपेयर करा के कल सुबह वी लीव अर्ली, तो देखो अब कितना जल्दी रिपेयर होता है। कुकू तो गई ऊपर अपना फ्रेशन अप होने, मैं एक बार में ही हूँगा फ्रेशन अप। राइड का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लान था, एक इम्पोर्टेंट पीस था, वो पूरा मिस आउट हो गया जस्ट बिकॉज आज बाइक ने गिव अप कर दिया। गाइज अब हम सेफली किलोंग में अपने एक रूम में आके रेस्ट कर रहे हैं, नहा धो के फ्रेश है, मिट्टी वगैरह उतर चुकी है हमारे फेस पर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मिट्टी मिट्टी हो रहे थे, हमारे बाल भी एकदम वाइट हो चुके थे। काफ़ी हेक्टिक डे हो गया आज, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नोट और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग से स्टार्ट हुआ था डे,
मतलब इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, हम अच्छी राइड एंजॉय करते हुए जा रहे थे. वो गंदी रोड का पता ही नहीं लग रहा था क्या किल्लाड़ किश्तवाड़, इस तरफ भी किल्लाड़ किश्तवाड़ ही है. मतलब अगर आप किल्लाड़ से निकल के आप उदयपुर की तरफ जाओगे तो काफ़ी जगह आपको क्लिफ हैंगर्स मिलेंगे, अनगिनत मिलेंगे, बल्कि किल्लाड़ किश्तवाड़ की तरफ कम मिलेंगे आपको, इस तरफ ज़्यादा हैं. आप मेरी बात मानो चाहे ना मानो, आप एक बार करके देख लो ये वाला ट्रेल, आपने सुबह देखा ही. फिर उसके बाद नो मैंस लैंड में हमारी बाइक ने हमारे को पे फिर से गिव अप कर दिया. थोड़ा सा मैं हार्ट ब्रोकन हूँ इस टाइम कि मतलब रॉयल एनफील्ड इसके ऊपर पूरी एक हम वीडियो बनाना चाहिए, अपना पूरा एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हम. खैर जब हम फंसे थे तो एक चंबा डिस्ट्रिक्ट के जो जज हैं वो भी पांगी एक्सप्लोर कर रहे थे, एंड आई गेस वो शायद सेशन कोर्ट्स लगा रहे थे डिफरेंट विलेजेस में. आई गेस किल्लाड़ में मेन लगाई थी उन्होंने, तो वो भी पांगी एक्सप्लोर कर रहे थे साइमल्टेनियसली, और हमें एक दो दिन कई बार दिखे वो. हम कभी इधर जा रहे थे तो वो आ जाते थे, या वो कहीं थे तो हम पहुंच जा रहे थे. तो हमारी उनसे ना बातचीत तब हो गई थी कि एक बार मिले तो हेलो हाई हुई, दूसरी बार मिले तो अरे वाह खुद फिर से मिल गए, तो हल्की हल्की हेलो हाई हो रही थी हमारी. और जब हमारी आज बाइक ख़राब हो गई थी तो पीछे से उनकी गाड़ी आ गई, तो जब उन्होंने देखा कि हमारी बाइक ख़राब हो गई है तो वो काफ़ी एडमेंट थे कि आप हमारे साथ बैठ के चलो, हम आपको उदयपुर तक पहुंचा देते हैं, वहां से कोई मैकेनिक लेके फिर आप वापस आ जाना, ताकि हम इस पॉइंट से निकल जाएं, इस सिचुएशन से आगे बढ़ के अपनी कुछ हेल्प कर पाएं. तो वो काफी उन्होंने हमारी हेल्प करी, लेकिन उतने में क्या हुआ कि वहां तभी लकीली वो दो पुलिस वाले आगे जो हमारे को तिंदी लेकर गए. हाँ. और फिर कहानी जैसे आपने देखा व्लॉग में वैसे पूरी हो गई. हाँ. अब हम किलोंग बैठे हैं, बाइक हमारी कल सुबह प्रॉपरली रिपेयर हो जाएगी, चेक करवा लेंगे. तो जब भी वो रिपेयर होगी उसके बाद ही हम निकल पाएंगे. और इसके बाद हमार को जज साहब ने जो समन किया है समन नहीं किया उन्होंने हमार को अपने घर पर टी पे बुलाया है. उन्होंने कहा आप मनाली में जब आना तो आप हमारे घर पर ज़रूर आना. तो हम देखते हैं कि हम कल जाएंगे कैसे, क्योंकि हमारे को पहले बाइक रिपेयर करानी है, फिर सर के पास जाना है, क्योंकि फिर हमारे को डेली, हमने सोचा था कि अगर हम कल अगर जैसे सर के पास नहीं जाएंगे तो हम यहाँ से निकल के सीधा चंडीगढ़ रुकते, बट हमारे को प्लान में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. लेकिन जज साहब ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा नहीं पर हमें भी अच्छा लगा उन्होंने हमें बुलाया. बहुत यार अच्छा लगता है जब कोई इतना बड़ा आदमी आपको इतनी रिस्पेक्ट दे, अप्रिशिएट करता है. वही क्योंकि काफ़ी खुश हो रहे थे, उनकी वाइफ थी, मैं तो सबसे ज़्यादा उनको देख के खुश था कि वो हमारे को देख के इतना खुश हो रही थी, और वो इतने प्यार से हमसे बात कर रही थी जैसे हम सच में उनके खुद के बच्चे हैं. उनको लग रहा था मैं इनको बच्चों को इस सिचुएशन से बाहर निकाल दूँ. वो बार बार ऐसे बहुत अच्छे से ऐसे प्यार कर रही थी, तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था. मतलब इट वॉज वेरी होमली और बहुत वेलकमिंग थी वो, तो एक बहुत पॉजिटिविटी उन्होंने हमारे को दी. तो अब हम बस देखते हैं, यही सिचुएशन है दोस्तों जो आपको हमने पूरी शेयर कर दी है. बस थोड़ा सा मेरे को दुख है दोस्तों कि मेरी आइटिनरी और जो मेरा एक और प्लान का मतलब 100% प्लान का 75% हम कवर कर चुके थे, और व्लॉग्स भी हमने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, 25% रह गया था. कोई बात नहीं यार, 75% तो हो गया, पर व्लॉग्स में कोई कमी नहीं आई है, देख लो. पर मैं वो जो जगह थी वो मैं कवर करना चाहता था, बहुत ज़ोर से मैं उसके बारे में पढ़ाई करके आया था, और बहुत ज़ोर से मन था मुझे उधर आने का. और तो कभी और से आज के बाद दोस्तों मैं ज़िंदगी में कभी टमाटरों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा. मैं टमाटर अपने सैंडविचेस से भी कभी नहीं निकालूंगा. आज जो टेम्पो ने हमारी हेल्प करी वो टमाटर वाले भैया थे, वो टमाटर सप्लाई करते थे. और आज मुझे टमाटर ना पहले स्मेल से भी कुछ होने लगता था, आज मैं टमाटर में ही गया हूँ मस्त, और मैं उसको यूज टू हो गया हूँ. हमारे टमाटर ना कहीं कहीं लग भी गए थे जिससे हमें स्मेल आई जाती कंटिन्यूसली, और पीछे और मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. मुझे आई एम गुड विद टमाटर, टमाटर इज लाइफ. अगर पांगी के लोग मेरी तरह होते टमाटर ना खाते तो हमारे को इस बीहड़ से कौन निकालता. थैंक यू टमाटर, टमाटर आपसे मैं भी खाऊंगा, और मैं टमाटर को अपने सैंडविचेस से कभी नहीं निकालूंगा, बर्गर से कभी नहीं निकालूंगा. टमाटर इज लाइफ. सच में ना वो बोलते ना क्रेजी हो गया, आज सच में एडवेंचर हो गया, एडवेंचर करा है. आपको व्लॉग देखो हमने कितना क्या कहते हैं इसको, अरे यार मस्त था कंटेंट था. कंटेंट में भी क्या था, डाइवर्सिटी थी. चलाना भी नहीं पड़ा, मैं किलोंग भी पहुंच गया. चलो मेरा पार्ट खराब हुआ बट मैं किलोंग सेफली पहुंच गया आराम से. और ना हमें डर भी नहीं लगा, वरना किसी और के हाथ में गाड़ी होती, पहाड़ों में तुम चल रहे हो, हम कभी भी नहीं बैठे, हम कभी भी किसी और ड्राइवर के साथ नहीं बैठे पहाड़ों में. तो मेरी तो हालत टाइट थी, मैंने कहा अब ये ना, जब तक रोड खराब थी ना तो मुझे वैसे टेंशन हो रही थी कि हम इतने जंप खा रहे थे, जब सीमेंटेड रोड आएगी ना तब भैया ने भगानी और तब मेरा हार्ट होना फेल. पर ने बहुत इतनी चलाई, इतनी बकवास कर रही है,
बहुत अच्छी चलाई सच में, मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, मैं आराम से पीछे मुंह करके बैठी थी, नजारे वादियां देख रही थी। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब ये हमारा काम है वीडियो लंबी, ये हमारा काम है, इसलिए हमारी वीडियोस दो में डिवाइड करनी पड़ती है हमारे को, वरना हमारे सब्सक्राइबर्स को मौत पड़ने लगती है। इतनी मेहनत करते हैं, एक एक चीज दिखाते हैं, ऐसी मुसीबत में रहते हैं, बट फिर भी क्या तो छोटी कर दो, ठीक है छोटी कर देंगे, वो कहानी टूटती है ना तो मुझे थोड़ा दुख लगता है। लोगों को कहानी बनाने में ना वो लगता है कि यार क्या बनाए क्या बनाए, अब क्या दिखाएं, अब क्या बोले, हम हमारे पास इतना कुछ है, हम सब दिखाते हैं, सब बोलते हैं, और हमारे सब्सक्राइबर कहते हैं छोटी करो वीडियो, हम बना के कॉन्टेंट आ जाते, तुमसे देखा नहीं जाता। आज के बाद मैं कभी भी नहीं बोलूंगा दोस्तों क्या मस्त बाइक चल रही है, क्या मस्त रोड है, कभी भी नहीं, क्या बैक शॉट्स नहीं लिए, कभी भी कुछ नहीं बोलूंगा, व्लॉग में कुछ बोलूंगा ही नहीं, चलाऊंगा बाइक, चलती रहेगी, पहुंच जाऊंगा बोलूंगा पहुंच गए, आप भी कुछ हम भी कुछ, ठीक है दोस्तों। हमें भैया दो बार बुला चुका है, हम व्लॉग बना रहे थे, तो अब खाना खाने चलते हैं। चलो दोस्तों हम रॉयल इनफील्ड पॉइंट पे जहाँ पे अपनी बाइक सही करवा रहे थे, वहाँ पे हमारी बाइक आज तो सही नहीं हुई, लेकिन कल हो सकता है कि हमें वो छोटा सा पार्ट मिल जाए, क्योंकि वो जो पार्ट हमें चाहिए वो बहुत छोटा सा है, तो वो आज मिल नहीं पाया, कल मिलेगा। तो कल सुबह सुबह वो बोल रहे हैं कि हमारी बाइक सही कर देंगे। उसी के ऊपर एक दिलपुरी करके होम स्टे था, तो हमने वहीं पे अपना एक रूम ले लिया, अच्छा रूम है, अच्छा। हमने अभी खाना खाया, जैसे आपको दिखाया, चिकन बनाया था, रणधीर बून भैया से बातें करी जा रहा है, और यहाँ पे उन्होंने बॉन फायर लगाई है, अच्छा सा एक माहौल क्रिएट हो गया है, और भी बाइकर्स ने हमें ज्वाइन किया है। पर आज का दिन थोड़ा टफ रहा, लेकिन मज़ेदार भी रहा। टफ था बट इट वॉज़ वेरी नाइस। हम जैसे इसने मुझे कहा था ना कि तुझे बस पे जाना है, मेरे को बस पे नहीं जाना था, इसने मुझे और तगड़ा एडवेंचर करा दिया, इसने मुझे पिकअप पे बिठवा के पूरी वो डेंजर वाला सेक्शन निकलवा दिया। एक चीज़ का लॉस हुआ है दोस्तों कि हमारा 25% ऑफ द आइटनरी वी हैड टू स्किप, हम क्योंकि जहाँ पर बाइक क्रैश हुई उसके आसपास का एरिया भी हमने एक्सप्लोर करने के लिए रखा हुआ था, हमारी आइटनरी थी, बट अब जैसे गाड़ी ने बिहेव करा उसके बाद हमारे को लगा कि वी शुड रादर स्किप द पार्ट एंड कहीं सेफ जगह पहुँच जाए, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला था। आपने खुद ही देखा सुबह कैसी जगह पर बाइक खराब हुई है। हमें लगा क्या, हमें जब वो बाइक चढ़ानी पड़ी उस ट्रॉले पे, तो हमें पता ही लग गया कि आगे नहीं जा पाएगी, और उससे पहले जब हमने दोनों ने धक्का मारने की कोशिश करी थी, हल्की सी क्लिफ आई थी, उस पर बाइक चढ़ नहीं पाई थी, दोनों बंदों का जोर लगाने पर पूरी पावर छोड़ दी थी उसने। तो अभी बेटर है कि हम अपने घर जाएं, इस सीरीज को एक एंड दें, और अभी एंड हुआ नहीं है वैसे, अभी हमारा घर जाना बाकी है। अभी अटल टनल देखना, मैंने नहीं देखा आज तक। हमने अटल टनल देखा ना, आप लोग ने भी हमारे चैनल पे नहीं देखा ना, तो हम अब जाके दिखाएंगे आपको। देखो दोस्तों, हमने किल्लाड़ का अपना रिचुअल छोड़ा नहीं, यहाँ पर आती हमने चाय बनवाई है, इलायची की स्मेल आ गई मुझे, नाइस नाइस, खाना बहुत मस्त बनाते हैं दोस्तों। श्री आर्टिस्ट वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिलपुरी होमस्टे, इनफील्ड पॉइंट के ऊपर है, जिनकी बुलेटें खराब होती हो तो आराम से रुक जाना है बिना सोचे। तो हमारी चाय आ चुकी है, हम बॉन फायर के सामने अपनी चाय पीते हैं, और हम आपको अब कल मिलेंगे न्यू जर्नी के साथ। एक आपको मैंने हिंट दे दिया, ठीक है, तो वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए कहाँ खो गया था मैं, उधर वेयर डू वी गो नाउ।